हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकली तिरंगा यात्रा। खबर चंपावत से है, जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान के तहत चंपावत के लोहाघाट इलाके में 36वीं वाहिनी आईटीबीपी के जवानों ने कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत के नेतृत्व में लोहाघाट नगर में तिरंगा यात्रा निकाली और लोगों को अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान भी किया। उधर लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों और स्काउट गाइड ने भी तिरंगा यात्रा निकालते हुए भारत माता के जयकारे लगाए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, खासकर महिलाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। कोलीढेक की ग्राम प्रधान सबरजान के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं ने भी तिरंगा यात्रा निकालने के साथ साथ झोड़ो झुमटो का गायन करके लोगों को अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित भी किया और देश के लिए शहीद हुए सेनानियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज़ादी का अमृत महोत्सव का हमारा एक कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे देश भर में चल रहे हैं, तो इसी क्रम में हमारे स्काउट गाइड्स के जो हमारे बच्चे हैं और टीचर्स हैं, इनके सहयोग से यहाँ पे तिरंगा यात्रा का एक आयोजन किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है कि हमारे बच्चों में, नौनी निहालों में, हमारे युवकों में और हमारी आने वाली पीढ़ी में जो हमारे देशभक्ति के पूरा रंग है उसे कूट कूट के भरना, और साथ ही हम सबको ये याद करने का समय है कि किस प्रकार हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो है काफ़ी संघर्ष करके जो है एक आज़ादी हमें दिलाई थी, और आज जो भी हम यहाँ पर हैं वो हम सब अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो उनका जो योगदान है, उनकी जो उन्होंने जो अपने सर्वस्व निचावर किया, इसी की वजह से तो मेरी आपके माध्यम से सबको शुभकामनाएं भी हैं और आपसे अनुरोध भी है कि आप सब भी अपने अपने घरों पे, अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने विद्यालयों में, जहाँ भी आप लगा सके तिरंगा झंडा जरूर फहराएं। धन्यवाद। यूपी न्यूज 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।